सदगुरु अगर सृष्टि परफेक्ट है और सृष्टा ने हम पर इतना अच्छा काम किया है जैसा आप कहते हैं फिर दुनिया में इतना कष्ट क्यों है <laughs> हमें यहां रहने के लिए किसी की करुणा पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है तो अगर सृष्टा ने हम पर बढ़िया काम किया है क्यों है? क्यों फिर दुनिया में इतनी ज्यादा पीड़ा है हमें यहां रहने के लिए दूसरे लोगों की करुणा पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है यह ऐसा है एक बार ऐसा हुआ एक छोटा लड़का दस डॉलर का नोट लेकर घर आया ओहायो में एक छोटा सा लड़का दस डॉलर के नोट के साथ घर आया उसकी मां ने पूछा वो बोला ये मुझे मिला उसकी मां ने पूछा ल्यूक क्या यह वाकई तुम्हें मिला तुम्हें पक्का यकीन है वो बोला बिल्कुल मां मैंने उस आदमी को वो खोजते हुए भी पाया <laughs> इतना कष्ट क्यों है अगर यह एक परफेक्ट काम है यह इतना परफेक्ट काम है कि आपको उस तरह होने का अवसर देता है जिस तरह आप होना चाहते हैं अगर सृष्टि ने आपको जरूरी अवसर नहीं दिया होता कि आप वो हो सकें जो होना चाहते हैं फिर कोई संभावनाएं नहीं होती है ना फिर मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती तो क्यों बंधन पैदा करें और फिर मुक्ति आप मुक्त क्यों नहीं हो सकते फिर कोई सृष्टि नहीं होगी एक सृष्टि मौजूद है इसीलिए उसके परे जाने की संभावना है जानवरों में और जीवन के दूसरे रूपों जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं हर तरह के उनमें ज्यादा संभावना नहीं है संभावना सिर्फ गुजर बसर करने बच्चे पैदा करने जीवन जीने और एक दिन मर जाने की है क्योंकि कोई खास संभावना नहीं है इसीलिए ज्यादा दुख भी नहीं है आप धरती के दूसरे प्राणियों को इंसानों की तरह कष्ट सहते नहीं देखते उनका कष्ट पूरी तरह शारीरिक होता है अगर उन्हें शारीरिक नुकसान होता है तो उन्हें दर्द होता है दर्द में भी वो उस तरह का कष्ट नहीं जानते जो एक इंसान जानता है इंसान इस कष्ट को जानता है इसीलिए नहीं क्योंकि सृष्टि ने आपको यह कष्ट दिया है सृष्टि ने सिर्फ आपको यह आजादी दी कि आप खुद से जो चाहें वो बन सकते हैं आप खुद से कष्ट बना रहे हैं या दुनिया की एक बड़ी आबादी ने खुद से कष्ट पैदा करने का फैसला किया है यह उनकी पसंद है भौतिक हकीकत कई बार आरामदेह होती है कई बार आरामदेह नहीं होती ऐसा है हमें अपने लिए जरूरी आराम पैदा करने के लिए जरूरी बुद्धिमत्ता दी गई है ये वास्तव में कोई समस्या नहीं है अगर हमें एक दूसरे से कोई समस्या ना हो तो दुनिया की सारी आबादी के लिए आराम पैदा करना कोई समस्या नहीं है यह वास्तव में बिल्कुल भी बड़ी समस्या नहीं है सिर्फ इसलिए कि हमारी आंतरिक समस्याएं हैं सिर्फ इसलिए कि यह आजादी जिसे एक वरदान होना चाहिए था मानवता के लिए अभिशाप बन गया है अभी वट ह्यूमन बींग्स आर सफरिंग फ्रीडम इंसान जिससे दुखी है वो उनका बंधन नहीं है वो अपनी आजादी से दुखी है अगर आप अपने बंधन से दुखी हैं, तो ठीक है लेकिन अगर आप अपनी आजादी से दुखी हैं, तो यह दुखद है अभी इंसान दुर्भाग्य से अपनी आजादी से दुखी है इस पल आप अपने अंदर कुछ भी पैदा कर सकते हैं आप अपने अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं आप अपने अंदर दुख पैदा कर सकते हैं क्या करें अगर पचास फीसदी लोग या नब्बे फीसदी लोग खुद से दुख पैदा करना चुनते हैं यह सृष्टि की गलती नहीं है उसने बस आपको आजादी दी ताकि आप परे जा सकें। एक बार आप मनुष्य के रूप में आए हैं तो आप फंसे हुए नहीं हैं बाकी जीव अपनी ही प्रवृत्तियों में फंसे हैं उससे परे वो नहीं सोच सकते आपके अंदर जीवित रहने की प्रवृत्ति है लेकिन फिर भी आपके पास इन प्रवृत्तियों से परे जाने की संभावना है अगर आप परे जाने का चुनाव नहीं करते इसका मतलब है अब भी ज्यादा कष्ट ने आपको नहीं छुआ है क्योंकि दुनिया में यह दुर्भाग्य है कि बहुत कम लोग अपनी बुद्धिमत्ता के साथ परे जाते हैं अधिकांश लोग जीवन से कुचले जाते हैं तभी वो परे जाते हैं तभी वो परे जाने के बारे में सोचते हैं वरना नहीं मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं ल्यूक आप जल्दी आ गए लेकिन भारत में अगर अगर आप किसी से कहें कि मैं एक आश्रम में रहता हूं तो वो आपसे पूछेंगे क्यों क्या गड़बड़ हुई आपके जीवन में क्या हुआ तो वो मानते हैं कि कुछ वाकई गड़बड़ होता है तभी आप आश्रम जाएंगे ठीक है <laughs> <laughs> क्योंकि अधिकांश लोगों की बुद्धिमत्ता ऐसी होती है क्योंकि वो अपना दिमाग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं उन्हें लगता है कि वो भविष्य में उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। परे की कोई भी चीज तभी खोजते हैं जब उनके जीवन में वाकई कुछ गड़बड़ होती है तब तक चाहे कुछ वाकई गड़बड़ हो जाए वो सिर्फ अगली बार बेहतर जीवन की प्रार्थना करेंगे नेक्स्ट टाइम अब आपको किसी की करुणा या समझदारी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है पूरी दुनिया आपकी करुणा और आपकी समझदारी की छत्र छाया में रह सकती है मैं देखना चाहूंगा कि आप इस तरह खड़े हों। कि दुनिया आपकी करुणा और समझदारी की छाया में जिए आप दूसरों की करुणा और समझदारी पर नहीं जिए अगर आपकी कोई गरिमा है तो आपको ऐसे ही जीना चाहिए है ना है कि नहीं